मेरे लिए जूता, मेरे लिए जूता लेना है? हम तो बताया तक भी नहीं मेरे लिए जूता लिया जा रहा है। हम नाइक की दुकान पे आ गए हैं और हमको पता भी नहीं हम जूता खरीदने आए हैं। ऐसे होते हैं आजकल के गृहिणी कि क्या है साइज, गृहिणा को पता ही नहीं है। साइज 10 नंबर ये 10 नंबर है, ये मेन और ये 10 नंबर है, 10.5 ये मेन और 9.5। चलो इसमें से घुस घुस जाओ। तो ये देख रहे हैं इतने ढेर सारे जूते हैं और देखिए ये देखिए $40, $40, $50, $30, $50 के आसपास तक के हैं। ठीक है, ओह माय गॉड, यू लाइक दिस वन, ट्राई दिस वन। ओह यू नीड अ टाई, आई कैन हेल्प अस अनटाई। यहाँ पे अभी मुझे पता चला ये नाइक का जो है क्लियरेंस शॉप है। ये क्लियरेंस शॉप का मतलब होता है कि जितने भी नाइक दुकान है पूरे अमेरिका में, वहाँ के जो के जो जो आउटडेटेड प्रोडक्ट हैं, जो जो उन्होंने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया है, बचे हैं वो सब इकट्ठा करके यहाँ रखा गया है जूतों को, और ये जूतों को सेल पे बेच रहे हैं, इसलिए सस्ता है ना। तो ये सब तो ये वाला जूता ट्राई करते हैं। बुढ़े जब अगर क्लियरेंस है तो एक ही जूता देंगे कि दो दो जूता देंगे? एक ही मिलेगा ना। तो ये भी ट्राई देखता हूँ। ओह माय गॉड, हाँ ये वाला ज़्यादा अच्छा है। ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका कारण ये है कि ये थोड़ा लाइट है, वो पैर डालते ही लगता है। सो गुड, ये देखो कितने का है, ये है $69 का। नो आई डोंट वांट टू ट्राई दिस। कहाँ से उठा के लाए हो? यहाँ से लाए हो, डाल दो उसको। Daddy doesn't like the fancy type of shoes. He only likes the one that has this type of symbol. ज्यादातर जूतों की दुकान में क्या होता है कि एक 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 ही जूता रखा रहता है, और एक जूता पहन लो अगर आपको पसंद आ जाए तो भैया को बोलो तो दूसरा वाला लेके आता है। तो चूँकि यहाँ पे क्लियरेंस है तो दोनों रखे हुए हैं, कोई है भी नहीं देखने वाला, जो आपको पसंद आए उठाओ और लेके जाओ। देखो जो प्राइस है इसका $130, सेल में मिल रहा है 99 में, जो अभी मैं ले रहा हूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है $69 का है। और इंडिया से आया था तभी हमें हवाई चप्पल एक ब्लू कलर का लाया, तो वही मैं पहनता हूँ हर बार, तो कभी कभी वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से अगर जैसे कोई पिज्जा वाला आया है बाहर, उसको लेना देना है, तो उसके लिए जो है मुझे इस टाइप के चप्पल चाहिए। सॉरी, बढ़िया है। तो यहाँ पर है कुछ हवाई चप्पल, क्या करे वहाँ, वहीं पे था, मिल गया। अब देखिए यहाँ पे जो है कपड़ों का सेक्शन है, अभी हम इधर भी चल के दिखाएंगे, देखते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे आज। अभी नया नया खुला है ये ब्रांच, 10 नंबर ये है, तो ब्लैक कलर का नया। देखिए पीछे यहाँ पे लिखा है अगर आपके पास पुराना जूता है अब यहाँ पे रिसाइकल कर सकते हैं, वो पुराने जूते का अभी जो भी उनको रिकवर या रिसाइकल जो भी करना होगा यहाँ पे डाल दीजिए पुराने जूते। और इसमें देखिए कुछ जूते पड़े हुए हैं, ठीक है, मेक बेटर द वर्ल्ड। ओके, तब चलते हैं हम आपको कपड़े के सेक्शन में लेके। हमने हवाई चप्पल लिया है, वो $14 का है। देखो ये शूज है, इसमें देखिए बटन लगे हैं, क्या क्या है, जब शो है क्या? नहीं तुम्हें पता नहीं है ऐसा कुछ भी हो सकता है अमेरिका में। ठीक है, कितने का है ये देख लो, $59 का है। रुक, दिस इज द बटन शूज, व्हेन यू प्रेस द बटन इट ऑटोमेटिकली गो इन योर फीट। Can I try? It will go in your feet. Fly, be careful. This is not even working. इस समय इस मॉल में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इस शॉप में, मॉल तो नहीं है शॉप है ये, अभी नई नई खुली है, ऐसा लग रहा है कि ये राम नाम की लूट है, दूसरे से तो लूट। ठीक है, मैंने अभी अपने लाइफ में इतना बड़ा जूता का दुकान देखा है। सेक्शन है बच्चों का, सेक्शन ये है, और बड़ों का सेक्शन उधर है, ये वुमेन का सेक्शन है। ठीक है, तो
तो हम बच्चों वाले सेक्शन में आ गए हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चों के शूज़ हैं ये, प्यारे प्यारे। और ये जो है देखिए 30-30 डॉलर के हैं, मतलब एडल्ट और बच्चों का एक लगभग एक ही प्राइस है, ठीक है। देखिए 30-30 डॉलर के हैं। इधर थोड़ा सा बड़े सेक्शन के हैं, अभी बच्चों के लिए है, ये 34 डॉलर के हैं। तो अन्य जो है ट्राई करने जा रही है ये वाला। वाह, ये वाला जूता है। फ्लाइट है, कितने ज़्यादा भीड़ है इस समय कि जहाँ पे लोग बैठ के जूता बदलते हैं ना, वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हमको यहीं जो है भीड़ में ही हम सब ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ तो ऐसा लग रहा है सारा जूता ले लो। नहीं, पहली बार तो मेरा जूता खरीदने मन लग रहा है। जूता खरीदने आ गए, हमको पता भी नहीं था कि हम जूता खरीदने आए हुए हैं। और आज अन्य का ताइक्वांडो था, ताइक्वांडो में आज उसको ब्राउन बेल्ट में से नवाजा गया। और इस वीडियो के अंत में मैं वो वीडियो दिखा दूँगा आपको। और अन्य दीदी, यू आर येलो बेल्ट, अर्नो येलो बेल्ट मिला है, इधर आ जाओ, ठीक है। अर्नो भैया को येलो बेल्ट मिला था ताइक्वांडो में, अन्य को ब्राउन बेल्ट। बहुत जल्दी इसको जो है ब्राउन बेल्ट के बाद रेड होगा ना अन्य, रेड उसके बाद जो है शायद ब्लैक। ओह माय गॉड, अन्य ब्लैक बेल्ट के काफ़ी नज़दीक है। ये देखिए जो है अर्नो भैया के ले लिया गया है हाफ पैंट, ये जो है 9 डॉलर का है, ये 10 डॉलर का है। ये देखिए रंग बिरंगा टी शर्ट है ये, और ये देखिए 10-10 डॉलर के हैं ये, ठीक है। वहाँ पे पूरा रेनबो कलर है। Try wearing it on. Uh-huh. You look like you're marrying someone. I'm marrying somebody? Yeah, it looks like. Hum dulha lag rahe hain? Yeah, it really looks like. And that Nike sign just gave. Arno kara ke hum aisa lag raha hai jaise hum shaadi karne ja rahe hain. It's like you're going to marry, like true. Really? It really looks like. Do you don't like it? Why did you put it there? I don't know. I'm a little confused. Get it. Get it. It looks good on you. ओके, ये क्या है? ये देखिए छोटा फुल हाफ बाही का है टी शर्ट, ये जो है 30-30 डॉलर के हैं ये, ठीक है। तो नीला पीला हरा गुलाबी कच्चा पक्का रंग, और रंग डाला रहे 13 रंग। ये कांवरिया वाले कलर, बच्चे जो है थक गए हैं और हम सबको निकलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं रोना गाना शुरू कर देंगे। थके नहीं है, इनका काम हो गया। हाँ थके नहीं, इनका काम हो गया, इनके लिए कपड़ा खरीद ली, जूता हो गया इनका, इसलिए जो है भागना चाह रहे। तो यहाँ पे है कैशियर, अंदर से परमिशन मिल गया है कि हमको और कुछ नया नहीं खरीदना है, नाम को पे करके निकलेंगे यहाँ से। और अन्य जो है रो रही है, थक गई है, ठीक है। तो हमको निकलना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि ताइक्वांडो करके आई है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। All sales are final, no return. Okay, no return, okay. जो भी सेल चल रहा है इसमें कोई रिटर्न नहीं है, यही मैडम जी कह रही हैं, ठीक है। चलते चलते मैं सोच रहा था मोजा रख लेता हूँ। सॉरी, यस, देखिए 124 डॉलर का हुआ है। Are you a Nike member? Do you have the app downloaded on your phone? Nope. Okay, if you download the Nike app, you'll get 15% off your purchase. Okay. Just hold on a second. कह रहे हैं कि अगर तुम Nike का app install कर लोगे ना, तो 15% discount मिल जाएगा। Okay. देखो यहाँ पे इतना भीड़ है, ऊपर से app install हो रहा है, और app अभी मुश्किल से 10% install हो जाएगा। Store open. I remember there was a craft store before. Yeah, there was. It used to be Staples. Okay. Yeah, Staple was there. Yeah, oh, yes, yes. The Staples was there. And the craft store was there. Mm. They both closed. Yeah. So madam बता रही हैं, इसके पहले एक स्टेशनरी की दुकान थी स्टेपल के नाम से, उसके जगह पर दुकान खुला है। तो ये जो है ये वाला स्टोर बहुत स्पेशल है, कोई सामान रिटर्न नहीं होगा, जो सेल में ले गए वो ले गए, इसलिए देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है यहाँ पे लोगों को खरीदने के लिए। अभी ठंडी भी आने वाली है, ठंडी के कपड़े भी यहाँ पे बिक रहे हैं, तो लोग ठंडी के भी सामान कपड़े वो लोग खरीद रहे हैं।
लग रहा है 50% डिस्काउंट के चक्कर में सभी लोग आए थे, इंस्टॉल कर रहे हैं बड़े तेज़ी से। देखो 134 है, 15% अगर डिस्काउंट होगा तो 114 हो गया। ओके, इस तरह से हम सब जो है बाहर निकल रहे हैं और बाइक इतना बड़ा सा दे दे जिसमें कोई बच्चा बैठ सकता है। और अभी हम सब तो और घूमते हैं अंदर, लेकिन बच्चे जो है थोड़ा सा बच्चे एक बार मूड बना लिए बाहर निकलना है, मतलब बाहर निकलना है बस, ठीक है। तो हम सब बिना प्लान के आए थे और इतना बड़ा झोला उठा के लेके जा रहे हैं। जूता हम भी खरीदे हैं जो हमने नाइक का पहने हुए, लगभग $200 का था और आज हमको लेके आए $50 में। यहाँ पे एक छोटा सा फील्ड है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि बच्चे लोग खेल भी नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक म्यूजिक प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो यहाँ के रेस्टोरेंट में आज इतना पता नहीं क्यों भीड़ है, सारे यहाँ के रेस्टोरेंट भी फुल है, जगह नहीं है बैठने के लिए, या एक एक घंटे का वेट है। हम सब रुकेंगे नहीं, जा रहे हैं घर और हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, घर डिलीवरी कराएंगे, वहाँ पर आराम से खाएंगे। देखिए ये जो है बाहर आज म्यूजिक प्रोग्राम है, शायद इस वजह से भीड़ था बहुत। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, पूरा फुल है और पता नहीं मेरी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है कि नहीं, ठीक है। और बहुत तेज म्यूजिक ही बज रहा है और हमारे बच्चे वहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं। तो फ्राई में इसलिए ले रहा ताकि गाड़ी में बैठ के कुछ खा लेंगे, पेट में कुछ हो जाएगा। थैंक यू। इस तरह से मुझे मिल गया चटनी, हम निकल रहे हैं यहाँ से। कहाँ गए? वो तो मैं ढूंढने गए हैं। हेलो, आई हैव अ कैच अप फॉर यू। पोटैटो फ्राई जल सीट इन द कार, ओके। आ जाओ, सीसी तड़का था। हमारे गांव में जब होती है बहुत भीड़ ना मेला वाला में, तो उसको गांव के भाषा में बोलते हैं सीसी तड़का था, और हिंदी में बोलते हैं तिल रखने के लिए जगह भी नहीं, अर्थात बहुत भीड़ है। तो कैसा लगा हमारा आज का बिना प्लान वाला वीडियो? ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जूता।